राम राम जी यार, क्या मजा आ रही है। आ भी रही है कि वैसी पकड़ कट रहा है। लंच ब्रेक चल रहा है बेटे, अभी बताता हूँ सारी बात। वापस चलते, इतना में टाइम हो लेता है। कोई सरकारी बिल्डिंग दिख है, मजदूर लग रहे हैं खेती बाड़ी सी करने में। खेती बाड़ी क्या, वो सजावट सीन रहती गार्डन की, वो कर रहे हैं। यहाँ आसपास सारे ऑफिस ही ऑफिस है, पूरा कॉर्पोरेट एरिया है, तो सबका लंच ना लगभग सेम टाइम पे होता है। और ये बहुत बड़ा पार्क सा है, मैं भी अपना यहीं आ जाता हूँ रोज के रोज अपना टाइम पास करने। भाई इतने ऑफिस है ना यहाँ, पूरा हो रहा गुड़गांव में, वो नहीं है साइबर हब टाइप सा सिस्टम, सारे कॉर्पोरेट ही कॉर्पोरेट। हाँ ते वहाँ, हाँ ते वहाँ रेल भरी रहती है। लंबोर्गिनी दिख गई यार, यहाँ रहती थी खड़ी, अब नहीं है। पब्लिक खरीद तो रही है भैया, दवा दो भाई। जापान ना बहुत खेच की कंट्री है, एकदम बढ़िया धरती में। दुनिया में किसी से ही पूछ लो कि भाई जापान कैसी कंट्री, कहेंगे भाई बहुत टॉप, हम टॉप। जापान का कल्चर जो है ना, ऐसा लगता है बहुत पुराना है, बहुत वास्ट है, पर उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अरे मेरा जो ऑफिस है ना बिल्डिंग में, उसमें कई सारे ऑफिस है अलग अलग। अब ऑलमोस्ट जितने भी ऑफिस है ना, सबका लंच टाइम लगभग सेम सा ही है और निकलने बढ़ने का टाइम भी लगभग सेम सा ही है। तो निकलते बढ़ते लंच ब्रेक में कोई ना कोई दिख जाता है, तो अपना हल्की पतली हाय फेलो से हो जाती है। अब उसमें मेरी एक से हल्की पतली बातचीत सी होती रहती है, मैं उसको लसन बोलता हूँ। वो उसके मुंह से हमेशा लसन की स्मेल आती रहती है। तो लसन का क्या सीन है, लसन है तो जापानीज पर वो पला बड़ा हुआ है हांगकांग में। उसने अपना स्कूल कॉलेज सारा वहीं से करा, उसके माँ बाप बंद टाइम में वहां शिफ्ट हो गए थे। अब कॉलेज वॉलेज करा के लसन भैया अपना वापस आ गया जापान। अब लसन जापान में घूमने फिरने तो आता था छुट्टियों में, और उसने कभी यहाँ पर काम नहीं करा था सच। और सारी एजुकेशन सारी वहीं की है उसकी। इंग्लिश बोल लेता बढ़िया, चाइनीज बोल लेता बढ़िया, और जापानीज बोल लेता है। जापान में क्या होता है, जब नई नई भर्ती होती है ना, तो सबको ट्रेनिंग दी जाती है। काम तो सिखाते हैं, काम के साथ से बिजनेस मैनर्स भी सिखाते हैं कि किस तरह से बैठना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से कपड़े पहनने, क्या ढंग रहता है। अब लसन की नौकरी लगी सेल्स वगैरह में, है तो जापानी जी, तो उसको तो कंपनी रिप्रेजेंट करनी है अपनी, तो उसकी बढ़िया ट्रेनिंग चल रही है। और लसन मेरे पास एक हफ्ते पहले आया, कह रहा यार मेरी कवर में दर्सा हो रहा है। मैंने कि क्या हो गया, कह रहा यार वो तो एक्चुअली जो पुराने जमाने में दिखाते थे कि वो ग्रीटिंग करते ना, जापान में ऐसे ग्रीट करते ना किसी को भी, तो उसकी डिग्री फिक्स होती है 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे कौन सी सिचुएशन में किसी से सॉरी बोलना है तो इतना झुकना है, किसी को हेलो बोलना है तो इतना झुकना है, कस्टमर को बाय बाय करना है, उसे सी ऑफ करना है तो इतना झुकना है, ये सारा फिक्स रहता है। ये सब सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। यहाँ पर जापानीज बच्चों को बचपन से लेकर कॉलेज तक ये सारी चीजें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। मैं जब यहाँ पर कॉलेज में था तो मेरे को भी सारी चीजें सिखाई गई थी, और मैंने जॉब वॉब भी करी कई सारी, तब मैं तो पक्का हो रखा हूँ। अब लसन की प्रैक्टिस करवाई, 2 घंटा ऐसा झुकना, इतना झुकना, इतना झुकना करो। मैंने तो सुना था यार एक जापानीज कंपनी में पहले हुआ करता था, ये तो अभी भी हो रहा। अब उसको प्रॉब्लम ये थी, जैसे उसने सीनियर से बोला ना, यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तो सीनियर फिर बोलता है भाई ये रूल है ऐसे ही करना पड़ेगा। लसन को भी यही बोल दिया कि रूल है करना पड़ेगा, तो लसन कह रहा पर रूल है क्यों, बताओ तो सही, एक्सप्लेन तो करो। वो कह रहा ज्यादा अमेरिकी मत बन, चुपचाप कर ले। फिर उसके बाद वो भी रहता है, जैसे विजिटिंग कार्ड अपना देते हैं ना, तो जापान में उसको देने का और उसको रिसीव करने का भी तरीका फिक्स है, ऐसे ही होता है बिजनेस मैनर्स में, ऐसे ही करते हैं, वो सिखाया जाता है प्रॉपर हर कंपनी में। अब लसन कह रहा यार इस जमाने में अभी भी विजिटिंग कार्ड चला रहे, क्या सेंस बनता है इस बात का। मैं बैठा बैठा सुन रहा हूँ कि जब मैं पहले पहले आया था ना, तो मैं भी ऐसे ही बोलता था कि इस चीज का क्या सेंस है, उस चीज का क्या सेंस है। अब मैं चुप मुंह पे उंगली रख के सारे मैनर्स फॉलो कर लेता हूँ, कोई सवाल जवाब नहीं करता। मैं उसे वही बोल रहा कि जैसा बोला जा रहे वैसे करे, ज्यादा चंगेजी खान मत बन। और वो कह रहा अरे ऐसे बैठने का तरीका तक बता रहे हैं। अब ऐसा बताए मुझे तो सारी चीजें याद है कि ट्रेनिंग में कैसा कैसा रहता है हर कंपनी में, क्योंकि ट्रेनिंग तो मिलती है, मेरे को तो कई बार मिल चुकी है। तो ऐसा ना सिखाते हैं कि बैठ ऐसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट एकदम पोस्चर अच्छा होना चाहिए। अब वो लसन कह रहा है यार पूरे दिन बैठने का काम अगर हो तो पूरे दिन ऐसे कौन बैठ सकता है, बैठ के दिखा दो, थोड़ा तो आदमी रिलैक्स करेगा ही। मैंने कहा हाँ भाई पॉइंट तो तेरा सही है, मैं सहमत हूँ, पर मुझे क्यों बता रहे सारी चीजें, कह रहे तो तेरे को भी ऐसे बैठना पड़ता। मैंने कहा नहीं मेरे ऑफिस में तो इतना कुछ खास है नहीं, मैं तो जूते उतर उतार के बैठ जाता हूँ। कह रहा तुम्हारा सही है यार, तुम विदेशी हो ना, तो तुम पे इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम ऐसे करोगे, पर कह रहा मैं तो जापानीज हूँ, मेरे से तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करो, मेरे से हो नहीं पा रहा ये सारी चीजें, मैं कैसे करूंगा। अब जापान में वो ये कि अलग अलग तरह के फेस्टिवल अलग कल्चर को एक्सेप्ट तो किया जाता है। अभी कुछ थोड़े टाइम पहले तो इंडियन मेला था, उसमें गया था मैं, इंडियन मेला भी लगता है यहाँ पर, कूड़ा फेंकने से लेकर सारा अरेंजमेंट जापानीज लोग ही करते हैं, पूरा वॉलंटियर करके पार्टिसिपेट भी करते हैं, लोग भी आते हैं खाना पीना सब बढ़िया सब रहता है। जा रहे इंडिया मेला में एकदम खेच के, बढ़िया सो रहा हूँ, काऊ जी को डिस्टर्ब मत करो, मेरे लिए यहाँ नृत्य का प्रबंध करवाया जाए। हाँ स्टेज लगा, तुझे अभी चढ़ाएंगे, तू ही नाचेगा। और वो होटल देख रहे हो, उसमें बुकिंग होनी चाहिए मेरी, एकदम बोला इंडियन मेला छोटा है पाजी यार। इस बार कल नहीं है ना? हाँ। नहीं तो स्टॉल तो आगे तक रहते, बहुत गाना कटे इस बार। मैं
ताज वाले भैया फ्री में टमाटो सूप और फ्री में चाय बटरी है मसाला वाला। हाँ चाय अभी तक पहुँची नहीं, कल चाय भी फ्री में मिलेंगे। अच्छा कल चाय भी जापान ने बहुत कुछ दिया है तो मैंने सोचा अपनी ओर से क्या दूँ, तो अभी मैंने कहा कि सबको चाय और बढ़िया है, बहुत अच्छा सूप है। अबे पहले पैसा तो दे दे, पैसा लिए बिना खाए नहीं मत देना इनको। अरे दो बजे से नाच चालू होने वाला था, हुआ ही नहीं अब तक, ढाई बज गए। आप लो सारे खाने आप ले लो। अरे सिक्स करो ना, इंडिया से पूरा यहाँ बांग्लादेश का, उसमें अलग क्या होता है, पांच होते हैं और छह नहीं होते हैं। दे दीजिए। ये अंडे है क्या, अभी तो भस्म करा देते मेरा। हाँ तमाको नशी, हाँ नाशी नो तमाको नशी। अरे बांग्लादेश के वो है गोलगप्पे, तो इसमें अंडा डाला हुआ है, दुबई की वो होगी शॉर्ट सर्किट। आपका दुकान कहाँ है? सब खा लेंगे, आजकल डाइटिंग पे हैं, थोड़ा सा बचा के। और भी ज्यादा एक जलेबी, एक जलेबी खाएंगे केवल। हाँ एक जलेबी खाएंगे, एक ही खाएंगे बस। अरे डाइटिंग पे हो ना, मीठा खाना है तो एक जलेबी एक रसगुल्ला, गुलाब जामुन भी चल रहा है। क्या ये रसगुल्ले, ये क्या है? ले लो मैं खा लूंगा जलेबी, तो खा लूंगा जलेबी, खा लेंगे दूध भी तो भी दे दो। भाजी क्या कंफ्यूजन हो गई, उनको हिसाब गलत नहीं आ रहा है। देखो तो बिना कंप्यूटर कर लेते हैं। आप बंगाल से, बांग्लादेश से? बांग्लादेश से ना, करेंसी सेम है। अरे उसी का खा रहा, उसी का मजाक उड़ा रहा है। खाने जा रहा हूँ। हाय सैरी, हाउ आर यू? चाची का कुर्ता है ये, कोई नहीं बोलेगा इसको। चाची सुन रहा था, चाट रहा है हमारा पैर। ओ बिचक दो आई ने दुबे, तेरे से ज्यादा सेवा हो रही है इनकी। देख देख, अरे काट मत लियो रे, सुबह पसंद आ गया। तुम आज से तीन साल बाद देखोगे कि मैं यहाँ ओसाका का मेयर हूँ। बिल्कुल, और रूल्स रेगुलेशन बदल रहा हूँ यहाँ के। और ऑफिस कल्चर को लेकर, बिजनेस मैनर्स को लेकर, और जो ट्रेडिशनल जो एटिकेट्स होते हैं जापान के यहाँ पर, वो ना फॉरेनर्स के लिए तो फिर भी थोड़ी बहुत वो रहती है, रियायत सी की। पता होता है कि ये दूसरी कंट्री से आया, शक्ल अलग है, पता ही चल जाता है कि इनका कल्चर अलग हो, ये उतना फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए तो फिर भी थोड़ी सी रियायत हो जाती है, पर तो जापानीज जो होते हैं ना, उनके लिए तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है ये सारा सिस्टम। उनको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और उस पे तो चिल्लाते भी हैं कि तुझे तो पता होनी चाहिए चीजें। तो पहले मैं सोचता था कि फॉरेनर्स के लिए इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, पर मैंने देखा ना ये जापानीज के लिए तो डबल स्ट्रिक्ट होता है। दिन में जो ट्रेडिशन और मैनर्स जो बने हुए हैं ना, दिन में तो वही सारे फॉलो करने पड़ते हैं, और रात को फिर पब्लिक अपना बेहा हो जाती, रात को कोई कुछ ही करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम कलेजे तो थैंक यू यार, और जो नहीं कर रखा है आराम तो कर लीजिए, बाद में कोई आफत लगा रही है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे, राम राम।